वहीं सीएम के साथ शिविर में सीपी जोशी भी मौजूद थे। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनते हैं। पंचायत राज मंत्री के रूप में राजस्थान में गहलोत साहब ने मुझे काम करने का मौका दिया। नरेगा में जो अनुभव है मेरे भी है, भारत सरकार में भी मुझे काम करने का मौका मिला और आज जो नरेगा की स्थिति है उसके बारे में भी मुझे जानकारी करने का मौका मिला। मैं ये बात कह सकता हूँ कि सबसे अच्छा इंटरवेंशन लोकतंत्र में किसी ने किया है तो कांग्रेस पार्टी की सरकार ने किया है कि नरेगा का कानून बनाया। कानून का एक फायदा तो ये हुआ कि जो मिनिमम वेजेस नहीं मिलते थे लोगों को, काम का गरीब आदमी अपना घर छोड़कर खेत में काम करने के लिए महाराष्ट्र में जाता था, पंजाब में जाता था या और जगह काम करता था। नरेगा के सिंगल इंटरवेंशन से परिस्थिति ऐसी बदी पैदा कर दी गई कि लोगों को नरेगा से जो मिनिमम वेज मिल रहा है उससे ज्यादा वेज देना पड़ रहा है। ये सिंपल इंटरवेंशन ने हिंदुस्तान में बहुत बड़ा परिवर्तन किया है और इसी के कारण जो बड़े बड़े काश्तकार हैं उनको तकलीफ हुई, जो बड़े बड़े कारखाने वाले उनको तकलीफ हुई कि क्यों सरकार ने नरेगा का कानून बनाया जिससे वो उनको मिनिमम वेज से ज्यादा पैसा देना पड़ रहा है। कृषि मंत्री लालचंद कटारिया के इस्तीफे पर सीएम अशोक गहलोत ने सफाई दी है। उन्होंने कहा कि लालचंद कटारिया ने भावुक होकर इस्तीफा दिया और उन्हें समझाया कि अकेले उनकी वजह से पार्टी की हार नहीं हुई है। वो भावुक होकर के उनके क्षेत्र से 1,00,000 से अधिक वोटों से हार गई पार्टी, तो ये पूरे मुल्क में जो इस बार जो कांग्रेस पार्टी कामयाब नहीं हो पाई है और सबसे बड़ी बात है जो गैप रहा है हारने का, ऐसा गैप आज तक कभी रहा नहीं है सब राज्यों के अंदर। इसलिए हमने उनको समझाया भाई कोई खाली तुम्हारे अकेले के क्षेत्र में कोई चुनाव हारी है ऐसी बात नहीं है। अधिकांश सीटों पर कांग्रेस पार्टी कामयाब नहीं हो पाई, इसलिए उनको व्यक्तिगत रूप से भावुक होकर के इस्तीफा देने की आवश्यकता नहीं है और मैंने उनको यही निवेदन किया, आग्रह किया कि वो अपना ये हम स्वीकार करेंगे, अभी आप अपना काम करें। जी मैंने कहा।